गुड आफ्टरनून, क्या हाल है आपके? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? एनी डाउट फ्रॉम द लास्ट क्लास? सर डाउट ये है कि आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 370 और 82 उनका, तो सर आर्टिकल में कहना है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स और अकॉर्डिंग टू बिल बोर्ड आप ये कह रहे हो कि स्टेट्स जो है वो सेपरेट नहीं हो सकते ना, डिस्ट्रेसिबल जो बोल रहे हैं तो जम्मू कश्मीर तो हो जाता। दैट इज द रीजन व्हाई आर्टिकल 1 को इंक्लूड किया गया, किसके थ्रू? आर्टिकल 370 के थ्रू कि आर्टिकल 1 लगेगा, लेकिन ये भी तो क्लियर नहीं कि बोल्ड अक्षरों में लिख दिया ना कि ये टेंपरेरी प्रोविजन है। बार बार ये बोल्ड अक्षरों में लिख भी तो दिया गया था कि ये जो आर्टिकल 1 इंप्लाई हो रहा है, हम क्लियर कर देते हैं कि ये टेंपरेरी प्रोविजन है। तो पहले टेंपरेरी प्रोविजन था वो, उसके बाद आर्टिकल 1 आपने डाला। तो ये बोलना कि आर्टिकल 1 तो आ गया तो आप इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, आप डिस्ट्रक्टिबल नहीं है, लेकिन टेंपरेरी प्रोविजन का प्रोविजन पहले आया, आर्टिकल 1 उसके बाद आया, मतलब उसके अंदर। इस वजह से बाकी सब ठीक है। फाइन, कोई डाउट नहीं है ना? गुड गुड गुड, इट्स वेरी गुड। एंट्री ऑफ परचेसिंग प्लान हो गया, तो लाइक ना गोना बी टुगेदर माल जैसे कि बाबा जितने भी रहे थे स्ट्रीट्स को बेसिकली 7 को हो गया, जब हो गया सभी के लिए फेस्टिवल साइड किया, तो इनको स्पेशल को भी फेस नहीं भी जैसे इशू फील है जम्मू कश्मीर को। कल ही तो समझाया मैंने वो पर्टिकुलर मैटर जो है ना, एक्चुअली वो सब एरिया में पाकिस्तान आना जरूर चाह रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया इसमें। पाकिस्तान ने आधा एरिया कब्जे कर लिया था ना, पाकिस्तान ने आधा कश्मीर ले लिया था, प्रॉब्लम वहां पे आ गई थी, इशू वहां पे थे, इसीलिए स्पेशल ट्रीट देना था। तो वही तो मैंने कल भी समझाया कि लोगों ने नेहरू जी को क्वेश्चन भी किया क्यों दिए स्पेशल ट्रीट, तो मैंने समझाया टू नेशन थ्योरी, वही चीज मैं समझा रहा था कि वो चीज नहीं होनी चाहिए। जितने भी स्टेट्स है ना, जितने भी स्टेट जो बहुत 60s में आए, कोई 70s में आए, काफी लेट लेट ही आए, सिक्किम आया बाद में काफी ज्यादा, 70s में सिक्किम आए, उनके रीजंस थोड़े अलग थे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब आप किसी प्रिंसली स्टेट या कोई स्टेट जो किसी किंग के अंडर है उसको कंट्रोल में लाना या उसके साथ आप कहीं ना कहीं आप डायलॉग कर रहे हो, दैट इज अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग। लेकिन किसी एरिया में आपकी एनिमी कंट्री जो आपके अगेंस्ट में है वो भी इंटरेस्ट दिखा रही है, वहां पर डायलॉग का टाइम बहुत कम था। एक तो दूसरी कंट्री थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, दैट टू एनिमी स्टेट, प्रॉब्लम वाज दैट अगर वो पर्टिकुलर स्टेट नहीं रहना चाहती, वो किंग नहीं करना चाहता, उनके साथ जो डायलॉग है दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। नागालैंड के साथ हुआ, आसाम के साथ हुआ, इवन गोवा ऑपरेशन विजय करना पड़ गया फिर बात। लेकिन जम्मू कश्मीर का मामला ही डिफरेंट था। हाँ, मैं ये तुम्हें कहीं रहा हूं ना, आज सिर्फ कॉन्ट्रोवर्शियल है कि देना ही नहीं चाहिए था, जब बाकियों को नहीं दिए तो जम्मू कश्मीर को क्यों दिए, नहीं देना चाहिए था, ये तो मुद्दा आज तक निकलता है, आज तक वो क्वेश्चन मार्क है। कुछ तो देना पड़ेगा ना, आर्टिकल 370 तो कुछ भी नहीं दे रहा था, कुछ तो देना पड़ेगा। इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली में हमने 3 सब्जेक्ट के लिए और प्रेजेंटेशन में फिर और सब्जेक्ट हुई। ठीक है, चलिए देखिए, इन लास्ट क्लास आई मेंशनड अबाउट दिस आर्टिकल 370 एंड देन आई वाज डिस्कसिंग अबाउट दिस यूएन रेजोल्यूशन नंबर 47 जहां पे कैसे यूनाइटेड नेशन UNSC Security Council जो है basically, they want to solve this particular problem of Kashmir between India and Pakistan. तो वहां पे मैंने आपको 3 step बताए थे, Pakistan need to demilitarize, ठीक है, उसके बाद India need to demilitarize to a certain extent to the satisfaction of UN.
And after that, when these two points are in satisfied, then certainly we can go ahead with plebiscite. Got two options, and those were either to be with India or to join plebiscite. Shout out. Possible hai. Nahi, UN ne khud bhi keh diya ki ye jo UN resolution 47 hai, ye non-binding hai. ये नॉन बाइंडिंग है, वो भी कैसे बाइंडिंग नहीं, दूसरे स्टेट खुद भी कह दिया यूएन ने. अब जैसे कि मैंने आपको लिखाया गिलगित बल्तिस्तान एरिया, अब ये जो गिलगित बल्तिस्तान रीजन है ना, बेसिकली ये पाकिस्तान कश्मीर वाला एरिया जो पीओके है, वही एरिया तो कहीं ना कहीं टूगेदर है. अब इन्होंने क्या कर दिया, पाकिस्तान ने इस एरिया को डिक्लेयर कर दिया इंडिया में कभी भी ना रिलीजन को लेकर डिस्प्यूट था ही नहीं, था ही नहीं, सब मिल टुगेदर, मुस्लिम हिंदू मिल टुगेदर, टू बी स्पेसिफिक हिंदू और मुस्लिम्स, क्योंकि बाद में दिक्कत होनी दो के बीच गए. 1857 रिवोल्ट तक भी दो मिलके लड़े थे, यूनिटी थी, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, यूनिटी थी, मिलके लड़े थे. अब रीजंस अलग अलग थे, हार गए हम भले ही, उसके रीजंस अलग थे, आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे, उसमें से वन ऑफ द मेन रीजन जो है कि सबके अपने रीजंस अलग अलग थे, सबके लड़ने के अपने अपने अलग रीजन थे, तो वो यूनिटी होकर भी यूनिटी नहीं थी वगैरह वगैरह, बहुत सारे रीजन. कहने का मतलब यहाँ पे बस इतना है कि 1857 तक हिंदू मुस्लिम जो थे वो एकदम साथ मिलकर रह रहे थे, सब लोग साथ मिलकर रह रहे थे. लेकिन बाद में क्वींस प्रोक्लेमेशन हुआ 1858, वहां पे ब्रिटेन ने बोला कि हम जीत तो गए, हम ठीक है, लेकिन लड़ने थोड़ी आए हैं, आए तो हम यहाँ प्रॉफिट कमाने, और कोई भी इंसान जैसे प्रॉफिट कमाना है ना, वो लड़ाई में ज्यादा टाइम इन्वॉल्व नहीं रह सकता. जीत तो जाओगे लड़ाई, प्रॉब्लम वो नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ फाइट में ही इन्वॉल्व रहोगे तो बिजनेस कब करोगे? हमेशा अगर फाइट में ही इन्वॉल्व रहोगे तो बिजनेस कब करोगे? बिजनेस नहीं कर पाओगे, फाइट नहीं होगा तो लॉस. मैंने पहले बोला वॉर फाइट में कोई भी जीते, नुकसान सबका होता है. बोले ऐसा तो नहीं चलेगा यार, एक काम करो, ये इंडियंस ने अभी रिवोल्ट किया है, मतलब ये बार बार करेंगे. हार गए ठीक है, लेकिन इनको ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ गया रिवोल्ट करने का, ये बार बार करेंगे. हाँ करेंगे तो फिर रिवोल्ट होने ही मतलब कैसे ये रिवोल्ट कब होगा? रिवोल्ट तब होता है जब किसी लोगों में सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, वो प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि लोगों में हिम्मत आ गई हमारे खिलाफ आने की. हाँ बात तो सही है. तो जब ये प्रॉब्लम आती है लोगों के बीच में, उसी समय अगर प्रॉब्लम हमें पता चल जाए तो ब्रिटिशर्स ने बोला द मूवमेंट प्रॉब्लम इज लाइंग बिटवीन द पीपल इन द सोसाइटी एट दैट पर्टिकुलर मूवमेंट, वी शुड बी नोइंग अबाउट दैट पर्टिकुलर इशू और प्रॉब्लम प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, उसी समय पता चल जाना चाहिए. कैसे पता चलेगा? ये तो हमें अपना मानते ही नहीं, हमें कैसे बताएंगे? कोई बात नहीं, ये अपनों को तो अपना मानते हैं ना. बोले हाँ अपनों को अपना, मतलब इंडियंस को तो अपना मानते हैं, खुद को बोले हाँ बिल्कुल मानते हैं. तो एक काम करो, इंडियन को लेजिस्लेचर में एंट्री दो. 1861 फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंट्री ऑफ एन इंडियन इन लेजिस्लेचर. ऐसे ही कुछ भी नहीं हुआ है सर हिस्ट्री में, मगर पर नहीं है, ऐसे कुछ हुआ ही नहीं है, हर चीज के पीछे रीजन है. ब्रिटिशर्स जब भी कुछ इंडियंस को दिए है ना, जब भी कभी दिए इंडियंस को, कभी कभी ना कभी फंसे हैं, और वो फंसने से बचने के लिए थोड़ा सा एक पीनट फेंक दिए, रखो खुश रहो 10-20 साल, और वही किया. 1861 में एंट्री ऑफ एन इंडियन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द लेजिस्लेचर. कैसे? आप लेजिस्लेचर में आइए, इंडियंस की प्रॉब्लम हम तक पहुंचाइए, और जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम करने वाले को खत्म कर देंगे. प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, जो प्रॉब्लम उठा रहे हैं उसी को खत्म कर देंगे. तो ऐसे प्रॉब्लम्स सॉल्व ही नहीं थी, और ये कॉन्सेप्ट था ब्रिटिशर्स का, और यही चलते हैं. उसके बाद देखोगे अगर आप 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, इट वाज फॉर्मड बाय द, जो बोला जाता है बहुत सारी बुक्स में भी, डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी. इंडियन नेशनल कांग्रेस को किस वजह से बनाया गया? डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी.
वही तो प्रोसेस ना कि जितने भी बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हो गए या बैरिस्टर्स हो गए बिजनेसमैन हो गए वो कांग्रेस के मेंबर्स थे। बोले आप लोग जो है सोफिस्टिकेटेड लोग एलीट क्लास है इंडिया का। बोले हाँ वो तो है। तो फिर आप लोग जमा हुई हमें इंडिया की बहुत चिंता है। अगर चिंता ऐसी होती है चिंता कभी वहां फिर अगर चिंता ऐसी होती है तो पिटिशन ने बोला कि हमें इंडिया की बड़ी चिंता है और आप तो हम एलिजिबल मानते हैं कि आप इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व कर सकते हैं। बोले हाँ करेंगे। बताइए आप जाइए लोगों के पास, आप लोगों के पास जाइए, प्रॉब्लम्स निकल आइए और प्रॉब्लम हम तक लाइए, प्रॉब्लम्स हम तक लाइए, हम करेंगे सॉल्व। कांग्रेस बोला ऐसे कैसे आ जाए कोई जगह तो दो। तो यू विल सी 1892 एलिमेंट ऑफ इलेक्शन इन लेजिस्लेचर वाली इनडायरेक्ट। 1892 वाज अ टाइम वेयर एलिमेंट ऑफ इलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड दो इनडायरेक्ट। आओ 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 पार्लियामेंट में कांग्रेस जाती थी इंडिया के हर कोने कोने में जाती थी, लोगों से डिस्कस करती थी परेशानी क्या है। हर साल कॉन्फ्रेंस होता था अपने पढ़ाओ बताओ प्रॉब्लम बताओ हम रखेंगे पार्लियामेंट टेंशन मत लो हम रखेंगे पार्लियामेंट में प्रॉब्लम्स बताओ प्रॉब्लम बताते थे पार्लियामेंट में रखती थी कांग्रेस। इंडियंस हंसते थे पार्लियामेंट में कि ये प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने तो आपको क्लियरली बता दिया कि ब्रिटिशर्स का मेन मुद्दा ये इंडियंस को लाने का ये था कि वो प्रॉब्लम ब्रिटिशर्स तक तो लेके आए। लेकिन ब्रिटिशर्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सुन रहे थे क्या प्रॉब्लम नहीं ये प्रॉब्लम सुने और वो प्रॉब्लम को वही दबा दिया जाए ताकि ये प्रॉब्लम बढ़ बढ़कर ये हमारे खिलाफ ही ना जाए।